जसपुर जिले की पलथर गांव पुलिस ने बंद कमरे के भीतर सीसीटीवी की निगरानी में जुआ खेल रहे 12 लोगों को पकड़ा और उनसे 28,500 रुपए जब्त कर सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। गुरुद्वारा रोड पर मनिंदर भाटिया के द्वारा अपने घर के भीतर ताश पत्ती के साथ जुआ खिलाया जा रहा था। मुखबिर से सूचना पाकर पलथर गांव एसडीओपी मयंक तिवारी और थाना प्रभारी नंदलाल राठिया दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कैमरे में पुलिस देखकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे जुआरियों को पुलिस ने दरवाजा तोड़कर धर दबोच लिया, जहां उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जमानतीय धारा होने के कारण सभी को मुचलके पर छोड़ दिया। पकड़े यार, कितने लोग पकड़े यार, कितने रुपए बनाते? मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि पथल गांव जो मेन चौक में पेट्रोल पंप है, वहां पर रेस्ट हाउस के पीछे में एक घर है जिस पर कि कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। जहां पर ये पुलिस की कार्रवाई मुखबिर सूचना के बाद गांव को लेकर रेड किया गया। आरोपी द्वारा बरसाती ढंग से सीसीटीवी फुटेज देखकर सीसीटीवी को लगाकर जुआ खिलवाया जा रहा था। अंदर दरवाज़ा खोलने हेतु कहा गया, जिस पर कि वो लोग दरवाज़ा नहीं खोले और इधर उधर भागने के प्रयास करने लगे, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिस पर कि हमें वहां पर 12 जुआरियान जुआ खेलते हुए 52 पत्ती ताश के साथ बरामद हुए, जहां पर जब्ती रकम 28,520 रुपये है और 12 मोबाइल जुआरियान से जब्त किया गया और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी अभी कोई भी नहीं मिली वहाँ पर। सर, सभी जुआरी सम्राट परिवार से आते हैं, इसमें 27,000 रुपया कहीं लोकेशन दे के गिर हमें, क्या पुलिस में मीडिया को बताने में? वहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि जुआ खिलाने वाला जो अपने घर में खिला रहा था, वो बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। पुलिस को देखते हुए उन्होंने पैसे को इधर किया होगा या पैसे उतने ही थे, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि घर में सर्चिंग के लिए और आवश्यकता कार्रवाई की जाती है। इसके बाद तत्काल फर्श से और उनके पास से जो रकम मिली है वो उतनी बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।